जो भी उनका संकाय है उसके ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो यह दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव जो किया गया है वह एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में किया गया है कि छठा एडिशनल सब्जेक्ट। और जो तीसरा बदलाव जो महत्वपूर्ण बदलाव किया जा रहा है जिससे कि विद्यार्थियों को काफी लाभ होगा, इनफैक्ट पहले दोनों बदलावों से भी विद्यार्थियों को अब सिंप्लिसिटी अब काफी सिंप्लीफाई विषय कर दिया गया है, पैटर्न को भी पहले सिंप्लीफाई कर दिया गया, उससे भी विद्यार्थियों को काफी लाभ होगा। और तीसरा जो अतिरिक्त विषय जो हम लोगों ने अभी पैटर्न जो चेंज के बारे में बताया, इसके संबंध में उत्तीर्णता का जो लॉजिक है, जो उत्तीर्णता की जो कार्रवाई जो बिहार बोर्ड द्वारा की जाएगी उसमें भी बदलाव किया गया है। इसमें बदलाव यह किया गया है कि यदि कोई विद्यार्थी ने 5 विषयों के अलावा यदि छठे अतिरिक्त विषय का चयन करता है और यदि वह प्रथम 5 विषय में से किसी भी एक विषय में यदि वह फेल कर जाता है तो उसको उसके छठे अतिरिक्त विषय के अंक से परिवर्तित कर दिया जाएगा, बशर्ते कि उसके उन 5 उत्तीर्ण विषयों में से एक हिंदी या अंग्रेजी अवश्य होगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो भी विद्यार्थी यदि एडिशनल सब्जेक्ट यदि लेते हैं और यदि वे 2 लैंग्वेज पेपर्स और 3 ऑप्शनल पेपर्स, इन 5 पेपर्स में से किसी भी एक विषय में यदि वह अनुत्तीर्ण होते हैं, यदि वह फेल करते हैं तो उनका, और यदि वह एडिशनल विषय में यदि वह उत्तीर्ण होते हैं पास करते हैं तो उनका फेल का सब्जेक्ट उस एडिशनल सब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाएगा और वह विद्यार्थी ओवरऑल पास माना जाएगा। इसका लाभ यह होगा कि विद्यार्थियों के उत्तीर्णता के प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी, विद्यार्थियों के पासिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी। अभी के समय में यदि विद्यार्थी उस 5 सब्जेक्ट में से किसी एक में फेल करते हैं तो उसका अलग सिस्टम, उसका अलग लॉजिक है। अभी के समय में जो स्थिति है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मैं विज्ञान संकाय की बात कर रहा हूँ, विज्ञान संकाय के विद्यार्थी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलावा मैथ्स एक्स्ट्रा ले सकते हैं और उनका वह मैथ्स रिप्लेस होने की व्यवस्था है बायोलॉजी की तुलना में। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के विद्यार्थी का बायोलॉजी का अभी अलग से सिस्टम नहीं है। अब जो हम लोग नए जो पैटर्न हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एडिशनल सब्जेक्ट का, अब वो विद्यार्थी बायोलॉजी भी अलग से ले सकते हैं, रिप्लेस हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है और इसका सीधा सीधा लाभ राज्य के लाखों विद्यार्थियों